1, 2, 3, 4, 5, 18 और ये हो गया 19। इसकी कीमत है 2500 रुपए। ये दाल मखनी से ही शुरू करते हैं जी थाली। ये दाल की प्लेट आ रही है, इसके ऊपर डालने जा रहे हैं भाई, क्या मलाई है ये? ये क्रीम है जी, फ्रेश क्रीम जा रही है। बाकी मक्खन मुखन का तड़का तो इसमें सब कच्चे में पहले से ही लग चुका है। ओके जी, उसके बाद दूसरी सब्जी, दूसरी सब्जी आ गई मशरूम। अरे भाई साहब, मशरूम मटर कह लो, मशरूम मसाला कह लो, और मशरूम दो प्याजा, इसमें सारी वैरायटी इसी में से निकलती है, सारी निकलती है। और बहुत सारी स्टोरियां भी सुनी है कि भाई नॉर्मल इंसान तो नॉर्मल, बॉलीवुड वाले लोग भी आके बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं तो सबका सेवक हूं जी, कोई आ जाए। मैं तो सर, ये आ गई पीली चना दाल जिसको कहते हैं भाई, आ गई हमारी पीली चना दाल। पीली चना दाल जी, और आज की थाली आप देख के सीरियसली ये हैरान हो जाओगे कि भाई इस थाली को खाने के लिए बहुत सारे लोग, पीली चना दाल जी हर आदमी पसंद करता है। ये देसी घी का पाज आवेगा बैंगन भरता। अरे वाह, बैंगन भरता। और ये आ गया जी बैंगन भरता, बैंगन का भरता आ गया हमारा थाली में। ये आ गया जी, ये आ गई हमारी मिक्स वेज, मिक्स वेज। अरे वाह, ये आ गई मिक्स वेज। तो सबसे पहले जब शुरुआत हुई थी यहाँ वाले, जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ, हाँ जी, इसकी शुरुआत कब हुई थी इस आउटलेट? ये सर 1908 में हुई थी। 1968। उसके बाद हमारा क्या? ये आ गया जी सदाबहार, 12 महीने 30 दिन सरसों का साग। देखिए ये तो सिर्फ सर्दियों का आइटम है, मेरे पास 12 महीने मिलता है जी, 12 महीने भाई साहब। सवेरे 7 बजे से लेकर रात 10:45 बजे जब मर्जी जो मर्जी। ये आ गए जी पालक पनीर। ओके, पालक पनीर बाप देखते जाओ जी। अब आगे आ रहे जी, अब ये शाही पनीर। अरे वाह, ये शाही भाई साहब इतना ज्यादा गाढ़ा शाही पनीर जी। एक काजू सोगी मखाने बादाम ग्राइंड करके डाले जाते हैं, खोए पनीर से, खोए पनीर से बनता है ये। मेरे यहाँ सबका फेवरेट है सर, सबका सबका। फिर ये आ गया जी कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर, ये कढ़ाई पनीर, कढ़ाई पनीर आ गया जी। ये आ गए चना मसाला भाई, ये आ गए हमारे चना मसाला। ये प्योर, ये डबल डालर चना है। अच्छा, ये डबल डालर चना है। गूगल पे शॉप करेंगे तो चेक, डबल डालर चना मांगेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये आ गए चीज़ टमाटो, चीज़ टमाटो, चीज़ टमाटो, हाँ जी, पनीर के साथ मिलके बनती है। हाँ जी, हाँ जी, पनीर के साथ। ये भी जा रही है हमारी जम्मू थाली, जा रही है जम्मू थाली में। ये आ गया जी मलाई कोफ्ता। अरे वाह, मलाई कोफ्ता, मलाई कोफ्ता आ गया यहाँ पर। ये भी सब खोया पनीर की है जी, सारी ग्रेवी काजू खोया, बिल्कुल खोया, खोया की ग्रेवी दिख रही है वो। ये जी मलाई पर आगे मलाई, ये राजमा है जी, जिसको हर आदमी पसंद करता है जी। हर आदमी तो पसंद करता है, मैंने सुना किसी हीरोइन के बहुत फेवरेट है आपके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं पहले आपको बोल के था, मेरे यहाँ जो आता है सब चीज पसंद करता है। मलाइका अरोड़ा जी का ये फेवरेट है, हमने उनके आर्टिकल में भी पढ़ा हुआ है कि भाई पाल ढाबा पे आओ तो उनका राजमा खाना जरूर है। आगे जी पनीर बटर मसाला, पनीर बटर मसाला आपको पूरा सेट करके दे दूं इसको। पनीर की कितनी सब्जियां होती है? पनीर की बहुत सब्जियां जी भाई, ताली इतनी बड़ी होने वाली है सीरियसली। फिर ये होगी जी, उठा भी नहीं पाऊंगा खाने की, तो बहुत बड़ी बात। ये होगी जी भिंडी। ओ भाई साहब, भिंडी पंजाबी भिंडी, हाँ जी भिंडी, ये भी हमारी थाली में जाने वाला है। हाँ जी थाली में जी, सब थाली में। आगे आगे जी मटर पनीर, मटर पनीर, मटर कम पनीर ज्यादा। मैं यही चीज नोटिस कर रहा हूँ कि हर एक चीज में ना पनीर इतना भर भर के डाला हुआ है। सर कस्टमर को चीज दें तो कस्टमर खा के बोले ना कुछ, मेरे को पैसे का मोल मिला मेरे को। सही जी, कड़ी पकौड़ा, कड़ी पकौड़ा, हाँ जी। अब भाई साहब ये देखिए पकौड़ों का साइज देखिए, इतने बड़े बड़े पकौड़े आने वाले हैं इसमें। इसमें हर सब्जियां मिक्स कर रखी है, पालक गोभी शिमला मिर्च वगैरह पकौड़ा, पकौड़ों के अंदर। वाओ, मतलब ये आ गई कड़ी पकौड़ा। फिर ये आ गई आलू गोभी जी, आलू गोभी आ गई, ये आलू गोभी, ये भी जा रही है हमारी थाली में। थाली में ही थाली जी ले आए हो पनीर दो प्याज, भाई साहब ये भी जाने वाला है इसके अंदर। ये भी जान जी, आपके सामने देखो लगाई जा रहा हूँ मैं। और एक बार मैं थाली पे नजर डलवा दूं भाई, इतनी बड़ी थाली ये देख लीजिए, और अभी भी बहुत सारी चीजें बाकी है। इसमें राइस आएगी जी, हाँ जी, रोटी लच्छा नान पराठा जो भी चाहिए डिमांड करेगा वो मिल जाएगा। अगर इसके साथ कोई लस्सी की डिमांड करता है वो भी मिल जाएगी, स्वीट लस्सी छाछ। तो भाई हमारे पाल जी ने यहाँ पर हमारे लिए थाली सजा के रख दी है, इतने सारे आइटम हैं, इतनी सारी चीजें हैं कि सीरियसली आप खाते खाते ना मन से नहीं भर सकते, पेट तो आपका भर ही जाएगा। और मैं बात करूंगा स्पेशली इस लस्सी के बारे में, जो लस्सी रखी हुई है। अभी रिसेंटली यहाँ पर सिद्धार्थ मल्होत्रा और उनके साथ एक और एक्ट्रेस आए थे, उन्होंने यहाँ पर लस्सी ट्राई की थी, तो भाई उनकी ये फेवरेट लस्सी बन गई। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी डाला था भी, मेरा मन को सुकून आता है अभी। मेरी जब मेहनत, मैं सवेरे 4 बजे उठता हूँ तो मेरे को ये लगता है मेरी मेहनत सफल हो गई। तो ऋषि कपूर जी थे मेरे पास, 25 दफा आए हैं, वो लोग तो बड़े बड़े 7 स्टार 5 स्टार कहीं खा सकते थे। ये कह लो हमारे मुकद्दर अच्छे हैं, ऋषि कपूर जी हमें बहुत प्यार। जब भी चंडीगढ़, चंडीगढ़ क्या, एक दफा लुधियाना शूटिंग थी, यहाँ से खाना पैक होकर गया था लुधियाना,
अरे वाह, कि थाली में अगर मैं सब्जियां काउंट करूं वेज के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये हो गया 19, मतलब कि 19 से ज्यादा सब्जियां, उसके बाद हमारे राइस, रोटी और दो तरीके की लस्सी। 10 मिनट में 20 सब्जी लग जाएगी, 10 मिनट लगेंगे घड़ी के, 10 मिनट के ऊपर नहीं लगेगा, 11 मिनट नहीं लगेगा, थाली टेबल पर पहुंच जाएगी और इस थाली को 5 आदमी आराम से खा सकते हैं। स्वीट लस्सी, छाछ लस्सी साथ है। इसकी अगर मैं कीमत बताऊं, इसकी कीमत है 2500 रुपये। थाली की टाइमिंग सवेरे 10 बजे से लेकर रात 10:45 बजे तक, जब मर्जी जो मर्जी। इतने सारे सेलिब्रिटीज यहाँ पर आकर के खाना खा चुके हैं, दैट मीन्स कि ये जो टेस्ट चंडीगढ़ में ये दे रहे हैं ना, अगर मुंबई में मिल जाता तो वो यहाँ नहीं आते। ये चीज़ कभी नहीं हो सकती थी। बस मैं ये बोलूँगा कि ये थाली ही नहीं, यहाँ का हर एक फूड आपको बहुत ही अलग फ्लेवर में मिलेगा, कि आप एक बार आओगे ना तो ज़रूर दोबारा से आओगे। अंकल जी बहुत स्वीट थे, खाना तो मिलेगा ही आपको अच्छा। मैं इस वीडियो से लेता हूँ विदा, मिलूंगा किसी नए और इंटरेस्टिंग से फूड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।